डंडे में रख दो। जय हिंद वंदे मातरम साथियों। ये देखिए लोहे की गेंट से मुझे ये जो है सो दाएं हाथ के बीच वाली उंगली में जो है ना चोट लगी गई और इतना दर्द कर रहा था इतना, ये समथिंग चोट आई है आपको 10:30 से 11 बजे। और फिर अभी हमने मित्र से बात कर रहा था जिमित जी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि हल्दी में चूना डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के इनको गर्म कर दीजिए और इसको आप यहाँ लगा लीजिए। तो समथिंग 10:11 बजे से लेकर के अभी 5:30 बज रही है, इतना दर्द हो रहा था कि दर्द का दवा आदि लेने के बाद भी आराम नहीं हो रहा था। लेकिन हमने ये हल्दी और चूना, हल्दी में थोड़ा सा चूना हमने मिला दिया, इसको गर्म कर दिया और लगाया, तो ये दर्द लगाते ही हमें जो है सो समझिए कि 40% दर्द 50% तुरंत ख़त्म हो गया। जबकि अभी मैं सेकेंड तुरंत लगाया हूँ, 1 मिनट पहले लगाया हूँ। देखिए ये है, ये गिलास में हमने गर्म किया है, ये गिलास में अभी चम्मच डाला हुआ है, इसमें मैंने चूना मिलाया, थोड़ा सा हल्दी है पिसा हुआ, हल्दी को गर्म किया, कच्चा हल्दी नहीं था तो, और ये चूना है, देखिए ये मैंने चूना मिलाया इसमें, ये थोड़ा सा चूना हमने मिलाया पान में खाने वाला है और अद्भुत कार्य किया। तो आप सब भी ऐसा उपाय करिए, घरेलू उपाय और बहुत ही कारगर है। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको बना के दूंगा, देखता हूँ ये कितने दिन में वो होता है। पूरा नाखून मेरा काला पड़ गया था, पूरा नाखून, और इतना दर्द हो रहा था जिसका कोई जवाब नहीं है। दर्द तो अभी भी थोड़ा बहुत है लेकिन इससे एकदम से दर्द आराम हुआ है। और मित्र ने कहा है कि आपका पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा रात तक में। चलिए तो इतना ही बताना था, आप लोग भी यह घरेलू नुस्खा अवश्य करिए जब किसी को चोट आदि लग जाए तो।